आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, एनसी और कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला है। आम आदमी पार्टी का एक ही विधायक वहां जीता है, लेकिन एनसी कांग्रेस गठबंधन को समर्थन का ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी ने एलजी को समर्थन पत्र सौंपा है। डोडा सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी और ये बहुत अप्रत्याशित जीत हुई। आम आदमी पार्टी ने पहली बार जम्मू कश्मीर में जीत हासिल की। डोडा सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली और उसका खाता खुला। अब चूंकि एनसी और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उमर अब्दुल्ला सीएम बनने जा रहे हैं, तो उस गठबंधन को कुछ निर्दलियों ने भी समर्थन दिया है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन का ऐलान किया है और एलजी को पत्र लिखा है। समर्थन पत्र इस बारे में सौंपा गया है कि हम सरकार जो एनसी और कांग्रेस की बनने जा रही है गठबंधन की, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। जाहिर है एक जो नंबर है वो बहुत बहुत कंफर्टेबल तरीके से उमर अब्दुल्ला के साथ है, न सिर्फ कांग्रेस, और चूंकि 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, कांग्रेस के पास 6 है, तो और निर्दलियों का समर्थन भी मिल गया है। अब आम आदमी पार्टी के एक और विधायक का समर्थन मिला है, तो कांग्रेस के बगैर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने की स्थिति में है और बहुमत उसके पास बहुत कंफर्टेबल तरीके से है। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने जा रही है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों की बैठक भी होनी है जिसमें उमर अब्दुल्ला को गठबंधन का नेता चुना जाएगा। एक और बड़ी खबर, भारतीय